आलू का करना करना स्नैक्स, बहुत ही यम्मी चटपटा नाश्ता हमने इसे दही के साथ सर्व किए हैं। आप चाहे तो हरी लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इतनी लाजवाब यूनिक हमारी रेसिपी बनकर, परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से इसमें डिप करके खा सकते हैं। इंजॉय कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कमेंट करना ना भूलिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हूँ कैसे बनता है। इसे अच्छे से इस तरह से हम दोबारा से फेंट लेंगे और एक बार में ही सारे मिश्रण को ऐड कर लेंगे। इसे एक गोल सा शेप दे देंगे इस तरह से फैलाते हुए, ना ज़्यादा मोटा ना पतला, मीडियम सा हाइट होना चाहिए इसका। अच्छे से कच्चा आलू है तो कुक हो सके, इतनी हाइट होनी चाहिए इसमें। इस तरह से इसे हम गोल शेप दे दिए हैं, चिकना कर लिए हैं। जब हम ऐड किए थे मिश्रण तभी फ्लेम को हाई रखे थे, जैसे ही फैलाना स्टार्ट किए तो ध्यान रहे फ्लेम को हम लो कर लेंगे। 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे हम कवर करके कुक कर लेंगे। लो फ्लेम पे कुक करते हुए हमने इसे 3 मिनट कुक कर लिए हैं, तो खोल कर चेक करेंगे, हल्की सी ड्राई हो गई है। उसका चीज़ से अच्छे से नहीं हो रहा था तो हमने स्टाफ का छोलने ले लिया है। इस तरह से खोल लेंगे सभी तरफ से। एक थाली लेकर इसमें हम पलट लेंगे आराम से। थाली पर पलट कर हमने इस तरह से निकाल लिए हैं, आराम से इसे फिर से डाल लेंगे और फिर से कवर कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो गया है तो इसे एक बार खोल कर चेक करेंगे। फ्लेम को हम लो पे ही रखे हैं। इसको थोड़ा सा इधर उधर घुमाते हुए हम खुले में पका लेंगे 2 से 3 मिनट और, ताकि हमारी नाश्ता जो है बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बन जाए। एक बार इसे आराम से पलट लेंगे। गैस को हम बंद कर लेंगे। नाश्ता हमारा रेडी है। नाश्ते को हम आराम से निकाल लेंगे इस तरह से थाली में। इसे हम इस तरह से पिज्जा के टाइप कट कर लेंगे। इस तरह से हमने 8 पीसेस में कट कर लिया है। निकाल करके खाती हूँ एक बार, बिल्कुल पिज्ज़ा की तरह ही बनता है। ये देखिए हमने इतने मोटे रखे हैं, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। इसे हम दही के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो खट्टी मीठी चटनी टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। चीनी में हम थोड़ी सी शक्कर ऐड करेंगे। ये रेसिपी हमने बच्चों के लिए बनाया है इसलिए दही के साथ सर्व किए हैं। आप चाहे तो खट्टी मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमारी रेसिपी कैसी लगे ज़रूर एक बार बताइएगा। अपना प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिएगा, तो ऐसी रेसिपी फिर से लाते रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।